हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें और 39वें श्लोकों को पढ़ेंगे। आइए पहले 38वें श्लोक का स्वर से गायन करें। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यद्यप्येते, यद्यपि एते यानी यद्यपि ये लोग, न पश्यन्ति नहीं देख रहे हैं, लोभोपहत चेतसः, लोभ उपहत चेतसः यानी लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त वाले। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। कुलक्षयकृतं दोषं, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्र से विरोध करने में भी पाप को। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, इसका अर्थ हम अगले श्लोक के साथ ही देखेंगे। आइए 39वें श्लोक का स्वर से गायन करें। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। कथम न, क्यों नहीं, ज्ञेयमस्माभिः, ज्ञेयम् अस्माभिः यानी विचार करना चाहिए हम लोगों को, पापाद अस्मान् निवर्तितुम्, पापात अस्मात् निवर्तितुम् यानी पापों से इन हटने के लिए। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम्। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। कुलक्षयकृतं दोषं, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिः जनार्दन यानी देखने वालों के द्वारा, हे जनार्दन। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो इन दोनों श्लोकों का मिलाकर अर्थ हुआ, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को तथा मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों न विचार करना चाहिए।